मोर्चे जल्दी बनने चाहिए क्योंकि हमारे को खतरा बहुत है, दिन को भी हो सकता है फायर के बाद रात को भी हो सकता है। जो है 250-300 के करीब घर है और कुछ चुनिंदा बंकर जो है वो दूसरी साइड पे बने हुए हैं, 30-35 बंकर होंगे। यहाँ पे 150-200 घर जो है जिनको बिल्कुल बंकर की कोई सुविधा नहीं है। प्रोवाइड की जाए क्योंकि पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं, कभी भी फायर हो सकता है। फायर होगा तो हम अपने बीवी बच्चे लेकर कहाँ जाएंगे? रात में कभी हो सकता है फायर, दिन में हो सकता है, तो कहाँ जाएंगे हम? जिला सांबा के सीमावर्ती गांव गल्लाड़ में बंकर न बनाए जाने की समस्या को लेकर स्थानीय लोग परेशान हैं। ये गांव भारतीय सीमा का आखिरी गाँव है। इस इलाके में पाकिस्तान द्वारा लगातार गोलाबारी की जाती है। पाकिस्तान की गोलाबारी में कई लोगों ने अपनी जानें भी गंवा दी हैं। वहाँ के पंच मुकेश कुमार का कहना है कि इस इलाके में 200-250 के करीब घर हैं और चुनिंदा लोगों के घरों में ही बंकर जो कि बनाए गए हैं। लोगों का ये भी कहना है कि इस समस्या को लेकर कई बार संबंधित विभाग के अधिकारियों और कई बार उप राज्यपाल के सलाहकार से भी मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन उनकी इस समस्या का समाधान किसी ने भी नहीं किया। उन्होंने उप राज्यपाल जी से मांग की है कि उनके इलाके में जल्दी से जल्दी बंकर बनाए जाए ताकि जब भी पाकिस्तान द्वारा गोलाबारी की जाए किसी भी तरह का कोई भी नुकसान ना हो। देखिए जम्मू परिवर्तन की ये खास रिपोर्ट। मेरा नाम मुकेश कुमार है, मैं बैंडगढ़ पंचायत का पंच हूँ। सर, ये हमारे यहाँ पे बंकर की बहुत बड़ी समस्या है। आए दिन यहाँ पाकिस्तान सीज फायर वायलेशन करता रहा है। पाकिस्तान पे भरोसा करना बेवकूफ़ी है। पाकिस्तान जो है कभी फायर कर देता है जिससे कि हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे आबादी है। यहाँ पे कम से कम जो है 250-300 के करीब घर है जहाँ पे बंकर नहीं बने हुए हैं। तो हमने कई बार प्रशासन से अपील भी की है, कई बार बड़े बड़े उच्च अधिकारियों के पास भी गए हैं कि हमारे यहाँ बंकर प्रोवाइड, हमें बंकर प्रोवाइड किए जाएं। हालांकि पिछले दिनों यहाँ मैडम सुषमा चौहान जी थी, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि यहाँ बहुत जल्दी बंकरों का काम किया जाएगा। तो लोगों ने काफ़ी खुशी जाहिर की थी कि जिससे कि उन्होंने एक परेशानी से सामना मिलेगा। कम से कम जैसे पाकिस्तान अचानक फायरिंग कर देता है तो थोड़ी देर के लिए कम से कम लोग बंकर में अपना जो है सेफ रह सकेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ, वो बात ठंडे बस्ते में चली, उनका तबादला हो गया। फिर उसके बाद हम एडवाइज़र टू गवर्नर श्री फरूख खान जी से मिले, तो हमने अपनी समस्या उनको भी बताई कि हम बॉर्डर पर रहने वाले हैं तो हमें ये समस्या है, हमें बंकर प्रोवाइड किए जाएँ। तो उन्होंने भी बोला था कि ठीक है, आप बहुत जल्दी आपको भी बंकरों की सुविधा दी जाएगी। तो लेकिन वो भी बात जो है उस पर हमारी बात पे कोई प्रशासन ने गौर नहीं किया। अगर हमारी सेफ्टी नहीं होएगी, हमारी सुरक्षा नहीं होएगी तो हमें परेशानी है। अभी थोड़ी दिन पहले यहाँ पे एक लेडी एक्सपायर हो गई थी, उनके अभी औरत सुबह के टाइम पर रोटी बना रही थी और शैल वहीं अचानक गिरा और जिससे कि स्प्लेंडर लगने की वजह से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। तो उसके साथ ही बैन में भी एक शैल गिरा था, वहाँ पे भी एक बच्चे, वहाँ पे भी बहुत सारे शैल गिरे हैं और वहाँ पे एक बच्चे की जो है वहाँ भी डेथ हो गई थी। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो मतलब जिनको स्प्लेंडर वगैरह शैल लगे हुए हैं और जो इंजर्ड थे। तो हम प्रशासन से यही गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि हम बॉर्डर पर रहने वाले लोग हैं, हम देशभक्त लोग हैं, तो हमारी जो है समस्या को सुना जाए। इतना हमने कुछ गवर्नमेंट से कुछ नहीं मांगा है, अपनी सेफ्टी के लिए एक बंकर ही मांगा है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं मांग ली है। तो हम प्रशासन से अपील करते हैं कि हमें जो है बंकरों की सुविधा दी जाए जिससे कि हम अपनी सेफ्टी कर सकें। यहाँ पे सर जो है 250-300 के करीब घर है और कुछ चुनिंदा बंकर जो है वो दूसरी साइड पे बने हुए हैं, 30-35 बंकर होंगे। यहाँ पे 150-200 घर जो है जिनको बिल्कुल बंकर की कोई सुविधा नहीं है। तो हम चाहते हैं सर, हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? अगर बॉर्डर पे बंकर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि बंकरों की सुविधा दी जाए तो आला अधिकारियों को आके ग्राउंड पे देखना चाहिए कि बंकर बने भी हैं नहीं बने, इन लोगों की समस्या क्या है। तो सर, हम चाहते हैं कि हमें बंकर की सुविधा दी जाए। मेरा नाम है टेक सिंह, मैं गल्लाड़ का रहने वाला हूँ। क्या परेशानी आ रही है? परेशानी ये है कि हमारे गोलीबारी होती रहती है क्योंकि हमारे को इतना खतरा है क्योंकि हमारे मोर्चे नहीं बने हैं। तो मोर्चे के बाद भी क्योंकि इसलिए फायरिंग बहुत होती है क्योंकि दिन को भी हो सकती है, कहीं क्या पता रात को भी हो सकती है। हम बच्चों के लिए, बच्चों लेकर बाहर भी नहीं जा सकते क्योंकि साथ ही नहीं हमारा। तो ऐसे है कि हम लोगों को बहुत बार सोचा हमने, हमारी ऐसी भी किसी बार भी आप बोला कि किसी के मोर्चे बन गए हैं कि ये गाँव के, हमारे गाँव के कई मोर्चे नहीं बने।
तो विभाग के पास गए आप समस्या के? हमारी हम उनके पास भी गए, बोल रहे हैं कि बन जाएंगे। हमको ऐसे ही बातें ही करते रहते हैं, समझो हमको टेकते हैं कि हमारे मोर्चे बने या नहीं बने। तो क्या मांग करना चाहोगे? हमारे ऐसा है कि मोर्चे जल्दी बनने चाहिए, क्योंकि हमारे को खतरा बहुत है इधर, क्योंकि दिन को भी हो सकता है फायर, रात को भी हो सकता है। जी सर बताएं। मेरा नाम विजय कुमार है, मैं गालाड़ का रहने वाला हूँ। जो हमारी मेन समस्या है जो कि हमें बंकर प्रोवाइड किए जाएं, क्योंकि पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं, कभी भी फायर हो सकता है। तो इसलिए हमारी जो समस्या यही है कि हमें बंकर प्रोवाइड किए जाए, और जो हमें अभी अगर फायर होगा तो हम अपने बीवी बच्चे लेकर कहाँ जाएंगे? रात में कभी हो सकता है फायर, दिन में हो सकता है, तो कहाँ जाएंगे हम? और हम ये समस्या लेकर आप कई बार हमें अपने विभाग के पास भी गए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। और वो बोलते हैं जी हाँ जी हो जाएगा ऐसा करके आगे करते रहते हैं, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। क्या मांग करना चाहोगे? मांग यही है कि हमें जितनी जल्दी हो सके जो बंकर प्रोवाइड किए जाए। पहले तो हमारी यही है कि हमें बंकर प्रोवाइड किया जितनी जल्दी हो सके।